नमस्कार, विद्युत समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। अरुण जेटली ने कहा, दो साल में 22,475 करोड़ की अघोषित संपत्ति का पता चला। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को कहा कि विदेशों में जमा काले धन का कोई सरकारी मूल्यांकन नहीं है और इस संबंध में अन्य संस्थाओं के अनुमानों की व्याख्याओं में विश्वसनीयता की कमी है। सरकार ने यह भी बताया कि बीते दो वित्त वर्ष में सर्वेक्षणों में 22,475 करोड़ रुपए की अघोषित आय का पता चला है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने लोकसभा में ब्रजभूषण शरण सिंह और मोहम्मद बदरुद्दोजा खान के प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि विदेशों में जमा काले धन का कोई सरकारी मूल्यांकन नहीं है। उन्होंने कहा कि इससे पहले कई गैर सरकारी संगठनों और अर्थशास्त्रियों ने देश से बाहर धन के गैर कानूनी तरीके से प्रवाह के बारे में व्यापक अनुमान लगाए हैं। बसपा का अभद्र प्रदर्शन, दयाशंकर सिंह की पत्नी ने दर्ज कराया मुकदमा। बसपा मुखिया मायावती के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने के बाद पार्टी से निष्कासित पूर्व भाजपा नेता दयाशंकर सिंह की पत्नी स्वाति सिंह ने जवाबी हमले में उनके और उनके परिजनों के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने के आरोप में बसपा प्रमुख मायावती एवं अन्य नेताओं के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। स्वाति ने कहा कि बसपा के प्रदर्शन में उनके और उनके परिवार के खिलाफ बसपा कार्यकर्ताओं और नेताओं ने जिस भाषा का इस्तेमाल किया, उससे मेरी 12 साल की बेटी सदमे में है। उन्होंने कहा कि मायावती नसीमुद्दीन सिद्दीकी के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रही हैं? प्रदर्शन में जो कुछ कहा गया, उससे मेरी 80 साल की सास की स्थिति ठीक नहीं है। वायुसेना का परिवहन विमान AN-32 अंडमान में लापता। शुक्रवार सुबह चेन्नई से पोर्ट ब्लेयर के लिए उड़ान भरने वाले भारतीय वायुसेना के परिवहन विमान AN-32 के लापता होने की खबर है। वायुसेना के सूत्रों के अनुसार विमान में चालक दल के 6 सदस्यों सहित कुल 29 लोग सवार हैं। इस विमान ने सुबह लगभग 7:30 बजे चेन्नई स्थित वायुसेना के ताम्बरम हवाई अड्डे से उड़ान भरी थी। वायुसेना के अनुसार विमान को 11:30 बजे पोर्ट ब्लेयर उतरना था, लेकिन यह अभी वहाँ नहीं पहुँचा है। नशे की हालत में भी संसद आते हैं, भगवंत मान अकाली नेता चंदू माजरा ने कहा। लोकसभा में शिरोमणि अकाली दल के नेता प्रेम सिंह चंदू माजरा ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी के सांसद भगवंत मान नशे की हालत में भी होते हैं और संसद का वीडियो सोशल मीडिया पर जारी करके वह क्या संदेश देना चाहते हैं, इसकी जाँच होनी चाहिए। चंदू माजरा ने संसद भवन परिसर में कहा कि मान के आसपास बैठने वाले लोगों का कहना है कि वह नशे की हालत में आते हैं और ऐसी स्थिति में उनके बगल में बैठना मुश्किल हो जाता है। उन्होंने कहा कि संसद का वीडियो बनाकर उन्होंने गंभीर अपराध किया है। केजरीवाल ने भाजपा सरकार को दलित विरोधी बताया। गुजरात की भाजपा सरकार को दलित विरोधी बताते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कथित गौरक्षकों द्वारा दलित समुदाय के व्यक्तियों पर हमले की घटना के पीड़ितों तथा उनके परिवारों से शुक्रवार को मुलाकात की और राज्य प्रशासन पर साठगांठ का आरोप लगाया। आप प्रमुख ने दावा किया कि यह अकेली घटना नहीं है और पूरे गुजरात में दलितों पर अत्याचार किए जा रहे हैं। उन्होंने चेताया कि अगर भाजपा सरकार दमन जारी रखती है तो उसे सभी समुदायों के सदस्यों द्वारा सबक सिखाया जाएगा। केजरीवाल ने राजकोट सरकारी अस्पताल में 11 जुलाई की घटना के दलित पीड़ितों से मुलाकात की। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।